वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने कब्रस्तान में सलाम कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप महसूस हुआ कि माशाल्लाह जीते जागते इंसान तशरीफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बादा। फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मुहद्दिसुल असर अल्लामा अश-शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी मत्तअनल्लाहु बितूल हयातिही और दीगर उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर सबसे पहले तमाम अकाबरीन और हाजरीन और सामईन का दिल की अता गहराइयों से शुक्र गुजार हूँ। अहले हदीस एक्शन कमेटी की दावत पर आप अपने काम और मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए यहाँ सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान और अहले बैते इज़ाम की मोहब्बत को दिल में उजागर करते हुए तशरीफ लाए। अहले हदीस एक्शन कमेटी इसका मुख्तसर तारफ इब्तदा में हमारे मोहतरम डॉक्टर सैयद फैजुल अबरार साहब ने बयान कर दिया था कि कुछ अरसा कबल जिन लोगों के दिलों के अंदर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की बुग़्ज़ अदावत भरी हुई है, उन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पे अफजल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर हर्जा सराई की, फिर कराची बैन अल-अक़वामी शहर एम.ए. जिन्ना रोड पर सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खालुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अपने खुब्से बातिन का इजहार किया। उस पर अहले हदीस जमातों इदारों जामियात के जिम्मेदारान ने बैठकर अपने जज्बात का इजहार किया और अहले हदीस एक्शन कमेटी वो तरतीब दी और जिसकी जिम्मेदारी इस गुनहगार खाक साहब के सुपुर्द की गई। अगर कि मैं इसका हाल ना था, बावजूद इनकार के इसरार किया गया। भारत अल्लाह तबारक व तआला के बाद मैं तमाम उलमाए इकराम अकाबरीन का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने इस आम काम के लिए बंदे के नातवा कंधों पे एतमाद किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबरीन को सलामत रखे। फिर इस काम के अंदर अहले हदीस एक्शन कमेटी के जितने भी अराकीन हैं, मैं तमाम का शुक्र गुजार हूँ, बिलखसूस जिन्होंने न दिन देखा न रात, हम वक्त इस काम के लिए लगे रहे। उनमें सर फहरिस्त मोहतरम मौलाना अरशद अली साहब है, मोहतरम डॉक्टर शाह फैजुल अबरार साहब है, सैयद आमिर नजीब साहब है, ओएस मदनी साहब है, अनस मदनी साहब है और मुजम्मिल सिद्दीकी साहब है, ओएस मदनी साहब है और दीगर जिन लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, मैं दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फते जामिया सत्तारिया इस्लामिया के मुदीर मोहतरम हाफिज मोहम्मद असलफी हाफिज अहुल्ला, जिन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ बल्कि फराख दिली के साथ
आपकी मेजबानी कबूल की, हम उनको भी दिल की अता गहराइयों से उनके मशकूर भी हैं और उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और मैं तमाम अकाबरीन मिल्लत से, तमाम उलमाए किराम से ये मुल्तमिस हूँ कि ये जो जज्बा लेकर हम आज जामिया सत्तारिया की इस मजलिस जामे इब्ने तैमिया के अंदर जमा है, इस जज्बे को हमने सख्त नहीं होने देना। इंशाअल्लाह दुश्मनाने सहाबा का कदम कदम पे मुकाबला करेंगे, बल्कि जिस तरह 1974 के अंदर ना किसी ने देखा कि मैं देवबंदी हूँ, ना किसी ने देखा मैं बरेलवी हूँ, ना किसी ने देखा मैं अहलुल हदीस हूँ, तमाम ने एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर वो तारीख चलाई, तो उस वक्त की सेकुलर हुकूमत भी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने पर मजबूर हो गई। इंशाअल्लाह हम अपनी सफू के अंदर इस इत्तेहाद के जरिए, इत्तेफाक के जरिए इस कदर तहरीक बर्पा करेंगे कि हमारी हुकूमत ये जो है जिस तरह कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया जो है ये बदबख्त राफिज़ियों को भी वो जो है गैर मुस्लिम करार दिया जाए। और इस मौका पे बकियतुस सलफ हजरत इमाम मौलाना अब्दुल रहमान सलफी हाफिज़हुल्लाह जिनकी सरपरस्ती भी हमें हासिल है, अलालत तबा की वजह से वो तशरीफ नहीं ला सके, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआ गो भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसके साथ वो कहते हैं फुगरे हम से थोड़ा सा ढीला भी सुन, हमारी बाज जमातों के अंदर, बाज तंजीमों के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रवाफिज के लिए दानिश्ता तौर पे या ना दानिश्ता तौर पे सहूलतकारी का काम अंजाम दे रहे हैं। मैं उन जमातों से अल्लाह मेरी ने मिल्ल से दरखास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए या कम अज कम उन लोगों का बाइकाट होना चाहिए जिन जमातों से या जिन तंजीमों से वो वाबस्ता है, उन तंजीमों को और उन जमातों को चाहिए कि उन या उनको समझाए या उनका बाइकाट करें। मैं इसी बात पे इत्तेफाक करता हूँ। अकूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम।